हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग एसएसटी पेडागोजी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कितने नंबर के लिए अगर आता है ये आपका एसएसटी पेडागोजी सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र की मैं बात करूं तो ये आपको 20 नंबर के लिए आता है, जो पेपर 2 के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द यूज ऑफ द स्टोरी बोर्ड इन स्कूल सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया गया घटनाओं का वर्णन करना, ऑप्शन बी दिया पाठ्य पुस्तकों का आकर्षण, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया गया थर्ड वाला एक पक्षीय सूचना, देखिए एक पक्षीय तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन फोर दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रसारित करें, बिल्कुल सही है। जो वृत्तांत दिए जाते हैं, जो जो भी आप पढ़ाते हैं उस पर क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, प्रमोट, ठीक है, वहां पे इंकरेज करेंगे बच्चे को, तो बच्चे को क्या करेगा वहां पे उनके प्रायोरिटी देंगे बच्चे को। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में से क्या, अ टीचर द सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट मेक अ टेबल रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ द बकेट्स ऑफ द वाटर्स यूज यूज बाय अ स्टूडेंट इन अ वीक। आफ्टर दिस एक्टिविटी ही इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वाटर यूजेस एंड द कंजर्वेशन व्हिच मेथड ऑफ द लर्निंग इज द टीचर इनकरेज इन द क्लासरूम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एक शिक्षिका है विद्यार्थी को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाए जिसमें एक उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई है। ठीक है, इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया कि समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी दिया यानी कि निगमात्मक की बात नहीं की जा रहा है यहाँ पे, और वृत्ति अध्ययन की बात नहीं की जा रही। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूछा गया है किस तरह की, तो ये पूछताछ की विधि की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू द ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड द आइडिया कंसेप्चुअल रिसोर्सेज इंक्लूड टाइम लाइन समराइज डैश एंड डैश। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थानों में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों के समय रेखा सारांश, ठीक है, यहाँ पे समराइज और डैश सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए दिया गया सूचना मानचित्र अवधारणा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक मिनट देखते हैं। ऑप्शन थर्ड सेकेंड दिया गया यहाँ पे कि अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। ऑप्शन थर्ड दिया गया शिक्षा प्रतिरूप और दंड आरेख की बात नहीं की गई, आसमन संकेत और समीक्षा की बात नहीं की गई। अगर मैं बात करूं तो अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। Which one of the following method is most suitable for the developing and understanding of the social problem? ठीक है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी, पूछा गया। सबसे ऑप्शन दिया गया आपका फर्स्ट वाला है यहाँ पे, भूमिका निर्वाह, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वृत्तांत अध्ययन नहीं होगा, चरित्र आप चलचित्र प्रदर्शन है, चित्र निर्माण आप क्या करेंगे, रोल प्ले करवाएंगे बच्चों से। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ आ चुका है। ए टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू द नो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू द प्राइमरी सोर्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इन अप्रोप्रिएट। ठीक है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से शिक्षा देना चाहते, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना होगी? ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट दिया गया है कि सरकारी परियोजनाओं को पुस्तक की समीक्षा की, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकंड दिया गया एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार कर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन थर्ड दिया गया विद्यार्थी के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर सर्वे कर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर्थ विद्यार्थी के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्चे पे रिपोर्ट क्या करेंगे हम उनको, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हम क्या करेंगे, सर्वे करवाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। चूज एन अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल रिटेन असाइनमेंट इन द सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। ठीक है, पूछा गया है अभ्यास की बात की गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूछा गया अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया पाठन सामग्री का सार, ऑप्शन थर्ड दिया गया पाठ्य पुस्तक में सही उत्तर ढूंढना, ऑप्शन फोर दिया गया पिछले वर्ष का। देखिए ये तीनों तो नहीं है लेकिन फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। परीक्षण एक मौलिक यहाँ पे हो जाएगा, मौलिक अभ्यास है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पाठन सामग्री का सार। एक मिनट, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला, पाठन सामग्री का सार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर थर्ड सेवन दिया गया था, चूज द बेस्ट मेथड फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग टू द इनकरेज स्टूडेंट टू टॉक अबाउट जेंडर रोल इन सोशल साइंस क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उच्चतम विधि निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है? ऑप्शन है अनुभव पर निर्देशित चर्चा, ऑप्शन बी विशेषज्ञ द्वारा बिल्कुल नहीं, प्रदर्शनी में नहीं, विद्यार्थी तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, तो अनुभव पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद चलते हैं, पोर्टफोलियो इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द कंटिन्यूअस एंड द कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन बिकॉज पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह ऑप्शन ए दिया गया है क्रियाविरुद्ध कार्य सरल होता, बिल्कुल नहीं, ठीक है, न्यूनतम सूचना प्रदान करता, बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता, बिल्कुल सही है, उनका लेखा जोखा दिया रहता है, उनके पेरेंट्स क्या है, विद्यार्थी का नाम क्या है, विद्यार्थी कहाँ पे रहता है, विद्यार्थी कौन से क्लास में रहता है, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, आपका पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में नाइन, क्या पूछा है, इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस टू ओल्ड न्यूज़पेपर्स रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग द बैटल ऑफ द श्री रंगपट्टनम एंड द डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान, वन इज द ब्रिटिश पेपर एंड अदर इज फ्रॉम मैसूर, राइट द हेडलाइन फॉर ईच ऑफ द टू न्यूज पेपर्स, वॉट इज द रीजन फॉर द इंक्लूडिंग दिस एक्टिविटी इन द हिस्टोरी टेक्सट बुक ऑफ द सॉरी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास 8, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आपको श्री रंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान के मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं, एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा अखबार जो है आपका मैसूर का है, दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सूखी लिखना है, ठीक है। कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण, विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को हमें नहीं करवाना है। राइट आंसर, अगर मैं बात करूँ, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की धारणाओं को विकसित करना, ठीक है, उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उनका थॉट क्या है, उनकी आइडिया क्या है, उनका व्यू क्या है, ठीक है, उनकी वो अपने विचारों किस तरह आदान प्रदान करना चाहते हैं, किस तरह अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, ठीक है, उनकी जो विचार होते हैं, विविधता होती है, वैराइटीज जो होते हैं, उन कंसेप्ट को विकसित हमें करना है। राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्टेड दैट सोशल साइंस मस्ट लिंक द चाइल्ड लाइफ एट स्कूल, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होना चाहिए, तो कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जीवन के बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही है, कि आपको जो आपका किताब नहीं होना चाहिए, जो स्कूल होता है स्कूल के बाउंड्री से बाहर होना चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया सबसे उचित विकल्प को चुनिए, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया ये विद्यार्थी के लिए भागीदारता और आनंदमय होगा, देखिए आनंदमय की हमें बातें नहीं करना है, ऑप्शन सेकंड ये आधाराओं और विचारों के साथ वास्तविकता को तुलना करने में योग्य बनाता है, ऑप्शन थर्ड दिया गया व्यस्त वाला तो होगा नहीं परिणत, राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोगों के सामने 12 आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचिंग ऑफ द जियोग्राफी एट अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी, ठीक है, ऑप्शन है परिचर्चा, बिल्कुल नहीं, क्षेत्र भ्रमण की अगर मैं बात करूँ, कहानी सुने बात भी बात करेंगे वहां पे, तो राइट आंसर क्या होगा, डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टीचिंग ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक एट द अपर प्राइमरी लेवल फोकसेस ऑन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एंड राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है, ठीक है, देखिए राइट आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट राइट आंसर दे रहा हूं, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जीवन रियल लाइफ को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूँ, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा ने विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर दे, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, फर्स्ट सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा करेंगे, टिप्पणी नहीं लिखाएंगे, विद्यार्थी को दंड नहीं करेंगे, यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, कि जो सामाजिक यथार्थ के आयामों पर हम एक परिचर्चा आयोजन करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द गिवन द मेजर्स ए बी सी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस फॉर द टीचिंग ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों से आपका ए बी में से उपयुक्त उपाय पूछा गया था। अभिव्यक्ति अध्ययन से परिभाषा की बात नहीं, केंद्रीय से सामग्री, तो राइट आंसर ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी वाला, ठीक है। राइट आंसर ए सी, थर्ड सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 15 क्वेश्चन थे और आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।